और चलिए ये टीटन लीग का चौथा मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ग्रुप ए का ये भी मैच है, और ये इंडिया की टीम है और कोहली इस टीम के कप्तान हैं और डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं, जो कि वेस्ट इंडीज़ के द्वारा एक बुरी हार चुकी है अपनी टी10 के लीग के पहले ही मैच में। तो साउथ अफ्रीका टीम इस मैच को जीतना ज़रूर चाहेगी, क्योंकि इस ये हार टी10 लीग से लगभग इनको बाहर कर देगी, क्योंकि आपके पास चार मैचेस हैं, चार में से दो तो आपको जीतना कन्फर्म ही है, तीन जीत जाते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन दो तो आपको जीतनी ही पड़ेंगे। चेन्नई के स्टेडियम में ये मैच है, कोहली कप्तान, सामने डिविलियर्स, दोनों ही आरसीबी के लिए खेलने वाले हैं। और चलिए पहले बल्लेबाजी का फैसला, ये अजीब निर्णय है, हो सकता है कि पहला मैच चेज करते हुए हारे थे तो शायद थोड़ा सा उनको दुख हुआ हो, अमला और डी कॉर्क, और यहाँ पे बुमराह शुरुआत करेंगे। और इंडिया के लिए भी ये मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वो भी जीत के साथ ही उतरना चाहेगी इंडिया की टीम भी, क्योंकि इस समय अगर जो इंडिया की टीम हार जाती है तो थोड़ा सा प्रेशर टी10 लीग में इंडिया की टीम पे भी ज़रूर पड़ेगा। चलिए, और ये रहा बुमराह शुरुआत करते हुए पहली गेंद बुमराह के द्वारा इस चौथे मैच में, ये बीट कर दिया अमला को पहली गेंद पे हिटिंग, मतलब कि टारगेट बड़ा देना चाहती है। ये एक और बीट, दो गेंदे दोनों बीट कर दिया, पर दोनों में बड़ा शॉट मारने का प्रयास अमला ने जारी रखा है। तीसरी गेंद, तीसरी पे प्लेसमेंट और एक और डॉट, अब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा अमला के ऊपर, देखते हैं इस गेंद पे क्या करते हैं। एक और, चलिए कैच की अपील और अंपायर ने कॉट आउट भी दे दिया, डी कॉर्क परेशान, और इस समय मुसीबतें बढ़ती हुई, ये पहला विकेट मिल चुका है और देखते हैं आउट थे कि नहीं थे। और आवाज़ तो आई है और खुशी मिलेगी इस समय, तो इंडिया की शुरुआत बहुत बढ़िया रही है, कप्तान डिविलियर्स आ चुके हैं और लग रहा है कि साउथ अफ्रीका, ये लीजिए कैच की अपील और लीजिए दूसरा विकेट, बहुत बढ़िया बॉलिंग प्रदर्शन कर रहे हैं बुमराह इस समय, तो दो गेंदे दो विकेट और पांच गेंदे डॉट निकालती, ये मेन चीज़। और डिविलियर्स जैसे भारी बल्लेबाज का विकेट ले लिया, ड्यूप्लेसिस आए हैं और हैट्रिक पे हैं इस समय तो बुमराह, ये सबसे बड़ी बात होगी। ये चलिए डॉट बॉल आएगी और बहुत बढ़िया मैडन ओवर विथ टू विकेट्स, क्या ओवर रहा बुमराह के द्वारा भाई, कसम अभी भी मानते हैं कि बुमराह इज़ दी बेस्ट बॉलर इन दी वर्ल्ड, यही तो हम तो मान रहे हैं, अब देखते हैं। और शमी एक तरफ से उनका साथ निभाएंगे और गैप में गेंद, चौका मिलेगा। चलिए डी कॉर्क ने अपनी टीम का खाता चौके के साथ खोला है, ये लीजिए पीछे को फील्डर है नहीं, एक और गैप में गेंद, एक और चौका, अब थोड़ी सी कोहली परेशान होंगे, देखते हैं क्या परेशानी में इस निवारण ला पाते हैं कप्तान कोहली। ये लीजिए पीछे फील्डर है लेकिन दर्शक बनेगा वो भी, बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन डी कॉर्क के द्वारा इस समय, तीन चौके तीन गेंदों में लगातार, थोड़ी सी फील्डिंग भी ख़राब लगाई है कोहली ने मुझे लग रहा है। ये देखिए फुल टॉस गेंद और पूरा फ़ायदा उठाया डी कॉर्क ने, और अब कप्तान परेशान, देखिए पंत पीछे से
फील्ड बदलने की अपील कर तो रहे हैं जी। बिल्कुल बदलनी तो चाहिए, अब कप्तान बदलते हैं या नहीं देखते हैं। बिल्कुल बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे। चारों प्लेयर लेफ्ट साइड पे लगा दिए हैं, अब देखते हैं। ये लीजिए एक और, ये छक्का महंगा ओवर शमी के द्वारा और कप्तान नाराज होंगे। चलिए सिंगल और बहुत महंगा ओवर रहा 25 रन इस ओवर से, अब अगला ओवर मिले या ना मिले वो देखना होगा। दो ओवर 25 रन, उसमें एक तो मैडन ही रहा और कुलदीप यादव को बुलाया है। देखते हैं क्या कुछ गेंदबाजी मदद कर पाते हैं या फिर वो भी महंगे साबित रहते हैं। लीजिए डी कॉर्क का बल्ला गमजम के बोल रहा है, वो भी बहुत महंगा पड़ रहा है ये बल्ला। 7 गेंदे 31 रन, थोड़े से ज़्यादा परेशान। और ये लीजिए सिंगल आता हुआ डुप्लेसिस ने तो अभी तक खाता भी नहीं खोला, किसी ने खाता नहीं खोला, उनके ही 32 के 32 हो रन है। ये लीजिए अब डुप्लेसिस भी जम के बोल पड़े, पहला छक्का डुप्लेसिस के द्वारा इस मैच में। और अब तो लग रहा है जो ड्यूलियर्स ने सोचा था वही हो भी रहा है। 38 रन बन चुके हैं, तीसरा ओवर समाप्त भी नहीं हुआ और जबकि पहला ओवर मेडन गया था। ये लीजिए पीछे फील्डर हैं तो सिंगल ही आएगा, इसमें भी 15 रन आ चुके हैं, अभी भी एक गेंद का सामना करना बाकी है। ये लीजिए एक और छक्का, एक तरफ से डी कॉर्क एक तरफ से डुप्लेसिस, तबाही मच रही है। 15 का रन रेट चलने लगा, देख सकते हैं आप पहला ओवर मेडन जाने के बाद क्या तबाही मचाई है। लीजिए अपने तुरुपके को फिर से बुला लिया है कप्तान ने, और क्या ये भी तुरुपके क्या फेल होता है। चलिए सिंगल तो आ गया है, चलिए ये लीजिए डुप्लेसिस रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब कैसे आउट करें भैया, बड़ी परेशानी डुप्लेसिस को आउट करने में। चिंता में डाल दिया है इस टीम ने तो। एक और फुल टॉस गेंद, क्या फ़ायदा उठा पाएंगे, नहीं उठा पाए। चलिए एक और सिंगल आता हुआ, ये लीजिए एक और छक्का, लास्ट गेंद पे छक्के के साथ समाप्त किया है। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं डी कॉर्क इस समय, और 15 का रन रेट अभी भी चल रहा है, और ऐसे ही चलता रहा तो 150 बन जाएगी जो कि इंडिया के लिए पार पाना ज़्यादा मुश्किल होगा। लीजिए पार्ट टाइमर को बुला लिया इस समय तो, क्या कुछ पता नहीं चल रहा क्या चल क्या रहा है। चलिए एक और सिंगल मिलता हुआ, डी कॉर्क थोड़ी सी संभल के बल्लेबाजी कर रहे हैं, पर सामने डुप्लेसिस रुकने का नाम नहीं ले रहे। 21 गेंदों में 64 रन की पार्टनरशिप, क्या बात है। थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन करते हैं इस समय तो, हम भी देखते हैं इस फील्ड परिवर्तन से क्या सामने नजर आता है।
जुगाड़ हर तरफ से लग रहा है, पर ये ओवर अभी भी कामयाब है क्योंकि 3 ही रन इसमें आए हैं। देखते हैं क्या होता है। चलिए, पीछे फील्डर है नहीं तो चौका मिलेगा। चलिए, थोड़ा सा ज़्यादा चिंता करनी पड़ेगी क्योंकि T10 लीग में अगर जो आप मैच हारते रहेंगे, क्योंकि 4 मैच है, 4 में से 3 जीतना आपका तय है। ये लीजिए एक और चौका डुप्लेसिस के द्वारा, अब रुकना मुश्किल हो रहा है दोनों को। अब देखते हैं किसको बुलाते हैं, क्योंकि ये जोड़ी एक मान लीजिए अब टिक चुकी है। पिछले 4 ओवर में 74 रन इन दोनों जोड़ियों ने मिलकर अकेले बना दिए हैं। पीछे फील्डर पर एक टप्पा फील्डर के पास। चलिए, शमी भुवनेश्वर कुमार डुप्लेसिस को बॉलिंग करते हुए, पर नॉट आउट। अपील तो हो रही है रन आउट की, पर रन आउट हो नहीं रहे। 27 गेंदे 76 रन, क्या लंबी पार्टनरशिप ले गए दोनों, और टीम के लिए एक बहुत बढ़िया साझेदारी की जरूरत थी वो इन्होंने दी। एक और चौक वाइड गेंद, अगर जो बल्ले को लग भी जाती तो पीछे फेलियर है नहीं, चौका ही जाता। ये देखिए, यही हम बोल रहे थे, पीछे प्लेयर है नहीं है। चलिए, डबल की कोशिश होगी तो रन होंगे, हो गए बिल्कुल। 49 रन पे आउट होना बहुत बड़ी बात है, और ये देखिए खुशियां चारों ओर इंडिया की टीम में। ये देखिए रन आउट हुए, क्या पारी खेल के जा रहे, 4 चौके 4 छक्के। ये लीजिए, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रुकने वाला नहीं है इस टीम में, खासियत तो है। ये लीजिए एक और अपील, और लीजिए यही ओवर तो इंडिया टीम चाह रही थी जिसमें एक ही ओवर में रन भी ना आए और ये साझेदारी भी टूट जाए। अपील भले ही की है, लेकिन देखते हैं अपील का परिणाम क्या निकलता है। मिडिल स्टंप पे लग रही है मुझे तो, और ये नॉट आउट। लेग स्टंप की बॉल है। चलिए, खुश होंगे जेपी डुमनी। इस समय तो इंडियन फैंस दुखी हैं, बस सभी फैंस खुशी हैं। ये गैप में हैं, पर पीछे प्लेयर हैं तो सिंगल ही आएगा। अभी भी डुप्लेसिस रुके हुए हैं, उनको आउट करना बहुत कठिन काम पड़ रहा है। चलिए एक और सिंगल, बहुत बढ़िया ओवर इंडिया के नज़रिए से, 6 रन इस ओवर से और 1 रन आउट मिला। अब देखते हैं, चलिए कि रविंद्र जडेजा को लेके आए हैं कप्तान कोहली इस समय तो। ये लीजिए कैच की अपील, ये एक टप्पा प्लेयर के पास, बड़ा विकेट होता अगर जो मिल जाता तो। और आउट जरूर। चलिए रिव्यू फिर से लेंगे, जो डूबनी लगता तो यही है। बिल्कुल रिव्यू के लिए गए हैं क्योंकि एम्पायर के फैसले पर भरोसा नहीं है उनको। चलिए, ये तो मिडिल स्टंप उखाड़ दिया है जडेजा ने, और क्या अंदाज क्या है बॉलिंग का। पहली गेंद पे विकेट मिल जाता लेकिन वन टप्पा गया, फील्डर भी कोशिश करता तो मिल सकता था। लेकिन चलिए, डुमनी की पारी हुई समाप्त, और इंडिया इस समय खुश और महाराज आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। ये चलिए पीछे प्लेयर हैं, अरे उससे भी पहले 30 यार्ड में प्लेयर है।
और अब थोड़ी सी पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। बड़ा मैच साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि ये मैच करो या मरो तो नहीं है, लेकिन अगर जो ये हारे तो इसके बाद मरो ही मरो है, सॉरी करो या करो है, क्योंकि इसके बाद दो मैच दोनों बड़ी जीत चाहिए। ये हारना फॉट ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगले दो मैच श्रीलंका वेस्ट इंडीज या जो कि आप बांग्लादेश सॉरी श्रीलंका और बांग्लादेश का जो कि आप श्रीलंका की बांग्लादेश की टीम देख ही चुके हैं, तो भरोसा नहीं हो रहा कि कुछ होगा। और थोड़ा सा रन रेट में गिरावट आती हुई, कुलदीप यादव स्पिनर का ही बोल बाल चल रहा है, तो स्पिनर एक और आते हुए और उसी समय जाते हुए, पर कहाँ बाहर जाते हुए बल्लेबाज महाराज भी आउट होते हुए एक तरफ से। विकेटों का पतन लग चुका है। फिर से मिलर आए हैं अपनी टीम को नैया पार लगाने। क्या नैया पार लगाएंगे या खुद पार जाएंगे? बहुत बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव, इतना सीधा कि क्या बात करें। और थोड़े से पैर जाम कर दिए हैं, लेकिन इतने भी जाम नहीं किए कि बाउंड्री लगाना छोड़ दें डुप्लेसिस। क्या वापसी की इस बाउंड्री की सख्त ज़रूरत थी कप्तान सॉरी साउथ अफ्रीका टीम को, जो कि वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक और बाउंड्री मिलेगी मुझे लगता है, चलिए नहीं मिली, प्लेयर के हाथ में गई। चलिए सिंगल एक तरफ से आए, ये अच्छा काम कर रहे हैं मिलर, क्योंकि जानते हैं कि वो सेट नहीं है, पिच अभी समझ नहीं पा रहे, तो डुप्लेसिस को दें। वो बहुत बढ़िया इस समय बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए एक और डॉट गेंद, रन आउट हो सकते हैं, लीजिए। अरे ओवर थ्रो, जहाँ डायरेक्ट थ्रो लगना चाहिए था वहाँ ओवर थ्रो हो गया। डायरेक्ट थ्रो लग जाता तो बल्लेबाज की पारी समाप्त हो जाती वहीं से। अब दो ओवर बचे हैं, उसमें से एक तो भुवनेश्वर कुमार को देंगे, एक रविंद्र जडेजा को। बिल्कुल यही सोच है कप्तान की। चलिए डुप्लेसिस, दोनों एक ही आईपीएल में टीम के लिए, लेकिन इस समय डुप्लेसिस भारी पड़ रहे हैं जडेजा के ऊपर। आईपीएल में भले ही एक टीम से खेलते हों, पर इस समय तो डुप्लेसिस सेट बेस्ट बल्लेबाज है, और वो भी इतने सेट की किसी को रोके नहीं रुकते, पर बीट कर दिया है इस समय तो। और पंत की खुशी देखकर तो लग रहा है कि डुप्लेसिस घर जाएंगे अब तो। बिल्कुल रे नॉट आउट लग रहा है अब तो मुझे, बल्ला शायद रख दिया है। ये धोनी होते यहाँ पे तो देखना भी नहीं पड़ता। बिल्कुल मैंने वही कहा, बल्ला आ गया था लेट स्टंपिंग की। ऐसे ही माहौल में धोनी की याद आती है। चलिए फिर से पॉइंट पे गैप निकाल दिया है डुप्लेसिस ने। चलिए इस चौके के साथ 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया है साउथ अफ्रीका ने। अब ये पार करना थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ेगा, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि कल के दिन वो बांग्लादेश ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, तो 15-16 गेंदों पहले ही मैच मुकाबला जीत लिया था। और ये रन आउट की अपील पर खारिज होगी, और लास्ट ओवर भुवनेश्वर कुमार करने आए होंगे। अब हमारा ये टारगेट होगा कि डुप्लेसिस की जो 50 है वो पूरी ना होने दें। पर देखते हैं क्या डुप्लेसिस, 4 रन चाहिए, क्या ऐसा होने में रोक पाएंगे डुप्लेसिस। चलिए एक डॉट निकल चुकी है, अब प्रेशर डुप्लेसिस पे बढ़ेगा, कैसे उसको निकालते हैं डुप्लेसिस देखना होगा। चलिए चौका हो गया बिल्कुल, और 50 पूरी हो गई डुप्लेसिस की 25 गेंदों में। बहुत बढ़िया पारी रही है,
क्या बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, 3 छक्के 5 चौके, जहां ज़रूरत थी वहां बहुत बढ़िया साझेदारी डी कॉर्क के साथ निभाई। एक और डबल की कोशिश और कामयाब भी होगी। चलिए वही हो रहा है, एक टप्पा प्लेयर के पास जाता है, किस्मत भी बहुत लक दिया है डुप्लेसिस का साथ आज। चलिए जी, ये भी मिलर भी एक तरफ से शुरू हो गए, जानते हैं कि 10वां ओवर है और अब इंडिया के लिए टारगेट थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, 114 का शायद टारगेट लगेगा, नहीं 115 का लगेगा, बिल्कुल 115 का टारगेट लगेगा। अब ये टारगेट पाने के लिए रोहित शर्मा का टिकना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर जो रोहित शर्मा नहीं टिक पाते, और लीजिए फास्ट बॉलर डेल स्टेन, इनकी गेंदबाजी में वो धार है, देखते हैं क्या समझ पाते हैं बल्लेबाजी से। ये शॉट हवाई फायर और चौका मिलेगा, यही हम बोल रहे थे कि रोहित शर्मा का टिकना ज़्यादा ज़रूरी है ये टारगेट पूरा करने के लिए। एक और चौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। रोहित शर्मा इज ऑन फायर, ये लीजिए एक और चौका मिलेगा, ये लीजिए ये तो छक्का हो गया शायद, बिल्कुल। क्या बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं रोहित शर्मा, ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद थी कप्तान कोहली को। ये बच गए, गलत शॉट था, इस समय विकेट बिल्कुल भी एफोर्ट नहीं कर सकते। एक और चौका, महंगा ओवर साउथ अफ्रीका की दृष्टि से, एक ओवर 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के बाद थोड़ी सी इंडियन फैंस के चेहरे पर निराशा फिर होगी, क्योंकि रवाड़ा आ चुके हैं एक तरफ से। ये चलिए अर्लियर शॉट और बिल्कुल, धवन ने अपना विकेट गवा दिया है। हमारा बाला को खेलना थोड़ा सा मुश्किल होगा और कोहली आए हैं। चलिए सिंगल की कोशिश और कामयाबी। चलिए एक और बहुत बढ़िया गेंद रबाड़ा के द्वारा, और बहुत बढ़िया ओवर भी रहा है साउथ अफ्रीका की दृष्टि से, दो की कोशिश होगी और कामयाब भी होनी चाहिए, बिल्कुल नो बॉल भी है। अब रोहित शर्मा क्या करेंगे, ये लगा धोनी स्टाइल हेलीकॉप्टर शॉट और बाउंड्री क्लियर करेगा वो भी। चलिए एक और शॉट और गैप में है, चौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन रोहित शर्मा इस समय कर रहे हैं, अगर जो ये मैच जीतना है तो रोहित शर्मा का टिकना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बाउंड्री क्लियर करेगा शॉट, और चलिए 2 ओवर 34 रन एक विकेट के नुकसान पर। चलिए एक और फास्ट बॉलर मॉर्निंग मोकल, और सामने विराट कोहली कप्तान किंग कोहली, और ये ले गया अपना ही शॉट चौका। क्या बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय दोनों
प्लेयर एक कप्तान है तो एक उप कप्तान है। एक और डॉट, अब प्रेशर बढ़ेगा कप्तान के ऊपर। दो डॉट निकालने के बाद ये चलिए क्या गेंदबाजी मॉर्कल कर रहे हैं। चलिए लेकिन कोहली कहाँ शांत रहने वाले, ये लगा दिया छक्का सीधा। क्या प्रदर्शन कर रहे हैं कोहली और रोहित इस समय। ये चलिए बीट कर दिया, 10 रन का ही ओवर रहा। और चलिए डुमनी को बुलाया है रोहित शर्मा के सामने, और स्पिनरों के सामने तो ये लीजिए लगा दिया एक और चौका रोहित शर्मा ने। रुकने का नाम नहीं ले रहे या तो ये तूफान जो आप सामने देख रहे हैं रोहित शर्मा को। अरे बच गया भैया। ये लीजिए मिडल स्टंप उखाड़, ऑफ स्टंप उखाड़ दिया, पता ही नहीं चला कहाँ शॉट खेलने जा रहे थे। और बहुत बढ़िया गेंद मिस कर दिया। और लीजिए अब थोड़ी सी निराशा इंडियन खेमे में, और राहुल आए इस समय तो। ये लीजिए ऊंचा है, बाउंड्री क्लियर करेगा, जरूर करेगा। आते ही चौका, संदेश लाउड एंड क्लियर, बैटिंग होगी पॉजिटिव। ये लीजिए चौके के बाद छक्का, तोहफा दे दिया है इंडिया टीम को राहुल ने। और अमला परेशान और साउथ अफ्रीका खेमा उससे भी ज़्यादा परेशान। ये बच गया, लगता बल्ले पे तो जाता स्टेडियम के बाहर। चलिए एक बार फिर डेल स्टेन और उन्हीं के कप्तान। ये लीजिए दोनों एक ही टीम के लिए खेलते हैं आईपीएल में, और एक कप्तान है, कप्तान के सामने बॉलिंग कर रहे हैं, देखते हैं। इस समय तो कप्तान ही भारी पड़े हैं। ये लीजिए चौके के बाद छक्का, ये तो एक रिवाज सा है। और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं रोहित के बाद कोहली, और कोहली के बाद अब राहुल, देख सकते हैं। तीन स्तंभ हैं मेन, तीन में से एक चल भी गया। एक और लीजिए, क्या लाजवाब पारी का प्रदर्शन कर रहे हैं कोहली इस समय। पूरी परेशानियां आउट हो चुकी हैं इस समय, और अमला परेशान 114 मीटर का वो भी लंबा छक्का हम बोलेंगे। सिंगल लेना चाहते हैं, समझदारी है, दो छक्के लग चुके हैं इस ओवर में, तो आराम से विकेट बचाना है अब तो। ये हवाई शॉट खेलना चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं। ये एक और मिस कर दी गए राहुल, और रिक्वायर्ड रन रेट 8 का आ चुका अब सीधा। ये रहा वैगन व्हील, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। लीजिए कप्तान ने मॉर्निंग मॉकल को बुला लिया है। ये चलिए सिंगल की कोशिश और कामयाबी, आराम से खेल रहे हैं कोहली। जानते हैं कि अभी सिर्फ विकेट बचाना ज़रूरी है। ये गलत शॉट और गलत जगह लग गया। दो गेंदों में 10 बनाने के बाद 4 डॉट खेल चुके हैं राहुल। ये चलिए सिंगल लिया, ओ एक और डॉट। अब प्रेशर बढ़ता हुआ है क्योंकि दो छक्के लगने के बाद सिंगल रुक गए हैं। ये लीजिए अब थोड़ा सा प्रेशर कोहली के ऊपर बढ़ेगा। ये एक और डॉट,
और ये थोड़ा सा बहुत बढ़िया ओवर रहा साउथ अफ्रीका टीम के लिए। चलिए महाराज एक और स्पिनर, क्या विकेट लेंगे? बिल्कुल मिडल स्टंप, राहुल आउट। और अब थोड़ी सी परेशानी इंडिया खेमे के लिए भी बढ़ती हुई, मैच कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी इधर कभी उधर। ये हवाई शॉट और चौका क्लियर करेगा। बहुत बढ़िया शॉट, एक और चौका। ये क्या पंत, इसमें राइट हैंडेड बैट्समैन बने हुए हैं, क्या बात है। ये लीजिए एक और मिडिल स्टंप उखाड़ दिया महाराज ने, अब तो मैच बड़ा फंस गया है। और केदार यादव आए हैं इस समय तो, लेकिन मैच अंदर ही है अभी तक। ये तो स्टंप की अपील है, अगर जो ये विकेट गिरा तो थोड़ी नहीं बहुत परेशानी होगी इंडियन खेमे में, देखते हैं। ये लीजिए पैर अंदर है, शायद नहीं नॉट आउट ही हैं, देखते हैं डिसीजन थर्ड अंपायर क्या लेता है। बिल्कुल ये क्या, पैर तो अंदर था भाई, कसम चीटिंग हो रही है यहाँ पे तो। तीन विकेट और हैट्रिक पे महाराज आ चुके हैं। चलिए पीछे प्लेयर है, डबल की कोशिश और दोनों ही तेज दौड़ने वाले और हो गया। अब मैच फंस चुका है पूरी तरह से, आप मान लीजिए कि 7 ओवर 87 रन, 5 विकेट गिर चुके हैं। और लीजिए रबाड़ा का ओवर तो अभी बाकी ही था, इनको तो हम मिस ही कर गए। ये 2 की कोशिश होगी कोहली के द्वारा और क्लियर भी होगा। 18 गेंदों में 28 चाहिए थे जीत के लिए, अब 26 चाहिए 16 गेंदों में। ये चलिए चलिए सिंगल इसमें भी मिल गया है, हर गेंद अब तो मायने रखती है। ये लीजिए ये डॉट नहीं जा रहे कप्तान, डॉट ही निकल रही है। बाउंड्री जा रही है कप्तान एक। ये लीजिए बहुत बढ़िया स्टाइल में छक्का लगा दिया रविंद्र जडेजा ने, और इस छक्के से राहत मिली होगी इंडिया को, क्योंकि इस छक्के की बहुत दरकरार थी। ये तो भैया अजीब तरह से, अब छक्के के बाद सिंगल लेना चाहिए था। ये लीजिए एक और चौका लगा दिया है, इन दो बाउंड्रियों ने मैच को आधा इंडिया की तरफ खींच दिया है। 2 ओवर में 15 रन और विकेट अभी भी बाकी, लेकिन ये 2 ही बल्लेबाज हैं और डुमिनिया है जिन्होंने रोहित शर्मा नाम की बड़ी मछली फंसाई है। क्या कोहली नाम की भी बड़ी मछली फंसा पाएंगे? और रन आउट हो गए, ये तो हो गए, अरे हो गए रन आउट। और कोहली के साथ सिर्फ धोनी ही तेज भाग सकते हैं। ये देखिए 2 की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी, देखिए फील्डर के हाथ में आ गया जी, बिल्कुल काफ़ी दूर, बहुत ज़्यादा दूर। आउट होंगे जडेजा और मैच फंस चुका है अभी, ये मान लीजिए आप। जडेजा 5 गेंदे 12 रन और भुवनेश्वर कुमार एक तरफ से आए हैं, पर कोहली के पास स्ट्राइक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब कोहली को लास्ट तक टिकना होगा, ये तो 2 रन पूरे हो गए आराम से। ये लीजिए कैच की अपील और बड़ा विकेट, विराट कोहली लास्ट मोमेंट पे बाहर होते हुए। अब तो ये खुशी है साउथ अफ्रीका टीम के लिए। और मोहम्मद शमी आए हैं बल्लेबाजी के लिए, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे और कामयाब भी होंगे।
ये आप जान लीजिए, भुवनेश्वर कुमार बल्लेबाजी कर सकते हैं, मोहम्मद शमी भी कर सकते हैं, तो हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हल्के में लेंगे तो घाटा ही होगा। और लीजिए, दो चौके लगातार लगाकर भुवनेश्वर कुमार ने मैच अपनी तरफ कर दिया है। क्या इस गेंद पे सफलता मिले मैच जीत जाएंगे? ये बिल्कुल चौका होगा, बिल्कुल। और इसी के साथ इंडिया 6 गेंदे रहते और 3 विकेट रहते ये मैच जीत चुका है। और इस जीत के साथ नंबर 2 की टीम इंडिया बन गई है इस समय। नंबर 3 पर बांग्लादेश होंगे और नंबर 4 पर श्रीलंका, नंबर 5 पर साउथ अफ्रीका। ये मान लीजिए साउथ अफ्रीका का ग्रुप ए से नामोनिशान मिट चुका है। और रोहित शर्मा 14 गेंदे 36 रन, क्या पारी रही। और रोहित और कोहली की बदौलत ही ये मैच जीते हैं, ये मान सकते हैं आप। इंडिया की बैटिंग, रोहित का बल्ला चला ही नहीं, बहुत चला, धवन असफल, कोहली बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इनकी की भी, राहुल पंत, यादव, जडेजा और भुवनेश्वर कुमार 3 गेंदे 12 रन, क्या पारी रही है। और बॉलिंग की बात करें तो एक नाम दिखेगा आपको, रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह। कुलदीप यादव भी बढ़िया बल्लेबाज, गेंदबाजी की, 1 विकेट लिया, लेकिन महंगे रहे। और चलिए, इसी के साथ ये हम अलविदा देते हैं इससे।